देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी में कांग्रेसियों में रोष व्याप्त है। इसको लेकर जिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर के लहार रोड स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप पर धरना एवं हाथों में पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। वहीं पर हम बात करें डीजल पेट्रोल के दामों पर, तो प्रतिदिन हो रही बढ़ोतरी के विरोध में आज शुक्रवार को दोपहर में जिला अध्यक्ष श्रीराम बघेल के नेतृत्व में सभी कांग्रेसियों ने एक राय होकर सरकार के खिलाफ पेट्रोल डीजल के दाम कम करने का नारा लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम सस्ते होने के बाद भी देश में पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, जो जन विरोधी हैं, और कार्यकर्ताओं ने शीघ्र महंगाई कम नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी और प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पीसी भिंड से आदित्य द्विवेदी की एक खास रिपोर्ट। उतारो पापा उतारो, इसी तरह से अब दूध भूलिया जनता का ध्यान भंग करने को मोदी जी अनेक काम किया करते हैं। महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, डीजल पेट्रोल की महंगाई की बात हो, सब बुला देते हैं। कोई न कोई अभियोग ऐसा काम कर देते, जनता का ध्यान भ्रमित करते रहते। आज समूचे हिंदुस्तान में हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया जी, हमारे उपाध्यक्ष जी राहुल जी और महासचिव प्रियंका गांधी और मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष माननीय कमलनाथ के निर्देशानुसार समूचे हिंदुस्तान में पेट्रोल पंप पर ये कांग्रेस पार्टी इन कीमतों को कम करने के लिए सीधा प्रधानमंत्री को ज्ञापन दे करके ये मांग करेगी कि इनकी कीमतों को कम किया जाए, जनता को राहत मिले। तो हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी का ध्यान जनहित में जो भी बातें हो केवल पूंजीवाद के समर्थन में लगी है। किसान मर रहा है, मजदूर मर रहा है, उद्योग धंधे ठप है, विद्यार्थी परेशान है, नौजवान परेशान है, सारी दुनिया परेशान है। और पूंजीपतियों की आमदनी चौगुनी, पचगुनी, दस गुनी, सौ गुनी होती जा रही है, ये रिकॉर्ड की बातें हैं। तो क्या बात है, आखिरकार पूंजीपतियों ने तुम्हें मत दिया था, उन्हीं के बड़े बदम सत्ता में बैठे थे, लेकिन अब कले उजागर हो चुकी है, मोदी की झूठ खुल चुकी है, असत्य वायदे घोषणा पत्र सबका सब बेकार हो गया है। तो आज आपके चैनल के माध्यम से ये हम संदेश देना चाहते हैं कि मोदी जी, जो महंगाई इतनी हो चुकी है डीजल पेट्रोल की, आम नागरिक परेशान है, महिलाएं गृहिणी घर में परेशान है, इस महंगाई को कम करो। ये ज्ञापन माननीय कलेक्टर के माध्यम से हम प्रधानमंत्री को भेजेंगे। इसमें कड़ाई के साथ मांग करी है समूचे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में आज महंगाई कम करने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। हम सब कांग्रेस एकजुट होकर के जनता के साथ हैं और महंगाई कम करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं।